Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing motion in a plane and this is a lecture number 7. I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching this part 7. In this lecture, we are going to discuss about uniform circular motion. What is uniform circular motion? When a particle is moving along a circle with constant speed, the motion is said to be uniform circular motion. कॉन्स्टेंट स्पीड से जब किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करें तो हमने कॉन्स्टेंट स्पीड कहा है। सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदलती रहेगी, इसलिए यहाँ पे स्पीड कॉन्स्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी लगातार वेरिएबल होगी। और वेलोसिटी वेरिएबल क्यों होती है? क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज होता रहता है। अब सवाल ये है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कौन करता है? तो वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन भी होता होगा, और वो एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है ना? और एक्सेलरेशन चेंज किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पे जब हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है कि बॉडी की हाइट के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज होता है, यहाँ पे तो सर्कुलर मोशन में कोई हाइट वाली बात नहीं है, तो फिर यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होता है? ये सब सवाल का जवाब आज की क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है? उस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जो सेंटर की ओर काम करता है। लेकिन कैसे और क्यों, इस सवाल का जवाब आज की क्लास में आपको मिलेगा। फिर हम इसमें एक रिलेशंस भी डेवलप करेंगे कि एंगुलर स्पीड क्या होता है और एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड में क्या रिलेशंस होता है। तो ये कुछ बातें हैं जिस पे आज अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, इन सारे सवालों का जवाब के साथ आपको कुछ और भी नई बातें पता चलेगी। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे और देखते रहेंगे इसको कि हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इस टॉपिक में अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है, ये तो जैसा कि मैंने कहा डेफिनेशन के रूप में ये कह सकते हैं कि व्हेन ए पार्टिकल इज moving along a circular path, with constant speed, the motion of body is said to be uniform circular motion, ठीक है? During this motion, the velocity changes. Velocity of body changes continuously, but speed remains constant. Change होता है, velocity changes due to change in direction. Velocity of body changes due to change in direction of velocity, ठीक है? The direction of velocity in circular path will be always tangential. The direction of velocity at any point on its circular path is tangent at that point. इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टेंट स्पीड है वो तो रहेगा थ्रू आउट,
वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होने का मेन जो कारण है वो है इसकी डायरेक्शन चेंज होने की। तो चूंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है इसलिए इसमें एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, है ना। ये है सर्कुलर मोशन। हम मान लें कि ये कोई पार्टिकल है जो इस पे ट्रेवल कर रहा है, और ट्रेवल कर रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। ये यहां पे अगर हमें मान लीजिए निकालना है तो ये डायरेक्शन यहां पे ऐसे होगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पे डायरेक्शन ऐसे होगा। अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, बट डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे टैंजेंट से निकल के आएगा। तो टैंजेंट किसी पॉइंट पे आप ड्रॉ करते हैं तो वो वहां का वेलोसिटी बताएगा। जैसे यहाँ पे ये वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे अगर हम कहें तो ये वेलोसिटी होगा, है ना। ये होगा, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शंस होंगे वेलोसिटी के। अगर हम नीचे देखें इस पॉइंट पे तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये होगा। तो बिकॉज कि ये वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियली है तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो अलग अलग होगा। और मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड तो सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, सॉरी डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, इसलिए हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज होगा। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, और यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो लगातार चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से ही होगा। तो ये एक पॉइंट हमने लिया ए, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे वेलोसिटी वी वन मानी जाएगी। ये एक पॉइंट हमने बी लिया, यहाँ पे वेलोसिटी वी टू मानी जाएगी। ये एक पॉइंट सी लिया, यहाँ पे वेलोसिटी वी थ्री मानी जाएगी। ऐसे ही अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। जो सर्कुलर मोशन है तो एक सर्कल का एक रेडियस भी होता है, तो ये एक रेडियस होगा, इसका रेडियस हम मान लेते हैं कितना, आर। कि इसका रेडियस है आर, तो आर रेडियस पे ये मूव कर रहा है, राइट। ओके, तो यहाँ पे किसी टाइम पे इसकी पोजिशन ए है और दूसरी टाइम पे इसकी पोजीशन थोड़े ही टाइम के बाद मान लेते हैं इसकी पोजीशन बी हो जाती है। तो इसकी पोजीशन बी पे चला जाता है तो यहाँ पे ये पोजीशन बी पे चला गया पार्टिकल। ध्यान से समझे, ये पार्टिकल ए से चल के बी पे चला गया किसी टाइम में। ये सर्कल था, यहाँ पर ए पाई पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, ये ए से ए डैश पे चला गया। तो ये ओ ओरिजिन है, ओ को ओरिजिन मान लें तो OA की पोजीशन वेक्टर हो गई R। अब ये B पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं R डैश, ठीक है, R डैश मान लेते हैं। दोनों के बीच में एक एंगल बना जिसको हम डेल्टा थीटा कह सकते हैं, छोटा सा एंगल है तो इसको डेल्टा थीटा कह सकते हैं। अब यहां पे एक वेक्टर, ये भी वेक्टर एडिशन से A से B तक जो हुआ वो चेंज निकल के आएगा। A से B तक क्या चेंज हुआ, तो वेक्टर एडिशन से अगर हम करें तो ए से बी तक का चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कि ए से बी तक चेंज कितना हुआ ये हम पता कर सकते हैं। तो ये आर आर डैश यहां पे जो चेंज है उसको हम कह देते हैं डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर एडिशन से। सो डेल्टा आर इज इक्वल टू बाई वेक्टर एडिशन आर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डैश। So, हम लिख सकते हैं इसको कि R प्लस डेल्टा R यहाँ पे बाई वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन वी कैन हैव R प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R डैश, R डैश इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा R। ये वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, R ये हो गया। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा आर जो है वो क्या है, डेल्टा आर अगर हम इसमें से निकालें तो डेल्टा आर इज इक्वल टू होगा आर माइनस आर डैश माइनस आर, ये पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा।
तो ये जो चेंज हुआ ये डेल्टा थीटा इसमें है और ये टाइम लग गया डेल्टा टी। अब यहां पे देखें कि ये जो वेलोसिटी है ए पे वो हमेशा ही टेंजेंट पे, टेंजेंट क्या होता है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, यहां पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन अगर है यहां पे अगर हम निकालें तो ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये बी, पहले इसको कुछ और नाम दे देता हूं, यहाँ पे ये जो है बी यहाँ पे हमने मान लिया है तो यहाँ का कुछ और नाम देते हैं डी नाम दे देते हैं या कुछ और नाम दे देते हैं। ये जो है यहाँ पे टेंजेंट निकाला हमने, तो यहाँ पे टेंजेंट जो होगा वो भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे टेंजेंट जो होगा यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें यहाँ पे टेंजेंट ये वी है, इस वेलोसिटी को वी सिंपली मान लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, वी वन के बजाय वी मान लेते हैं। तो बी पे यहाँ पे चूंकि पोजिशन वेक्टर ए पे आर था और बी पे आर डैश हो गया, ए पे वेलोसिटी वी है तो बी पे वेलोसिटी को वी डैश मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, इससे मिलेगा टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब अगर ये भी 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है, अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सटेंड करें अगर थोड़ा सा हम इधर की ओर ध्यान से देखिए तो क्या होगा, ये एक्सटेंड करेंगे तो ये जो होगा ये लाइन इसमें मिलेगा है ना, और ये लाइन मिलेगा जब तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये ऐसा कुछ बन गया, अगर अलग से मैं फिगर बनाऊं तो ये ऐसा बन जाएगा कि ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये पूरा एक बन गया क्या क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बन गया तो यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री क्योंकि ये आर और रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री, ये भी रेडियस है ये भी टेंजेंट परपेंडिकुलर है ये भी 90 डिग्री, तो दोनों मिलके 180 डिग्री हो गया। ये डेल्टा थीटा है तो इसके अंदर में ये हो जाएगा कितना 180 माइनस डेल्टा थीटा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल 360 होता है, और ये 180 माइनस डेल्टा थीटा होगा तो इसके अपोजिट ये जो एंगल होगा कोर्स एडजेसेंट एंगल वो होगा डेल्टा थीटा, यानी V और V डैश के डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो भी होगा डेल्टा थीटा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी होगा डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे एक V है और एक V डैश है, V और V डैश को अगर अलग मैं डायग्राम थोड़ा समझने के लिए बनाऊं तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का होगा कि ये हो गया V, ठीक है, ये तो ये देखिए कि ये क्या बनेगा, ये R है और ये वेलोसिटी यहाँ पे V का, ये V का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है V डैश का, ठीक है ना, वेलोसिटी V डैश का डायरेक्शन है ये V डैश का, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है डेल्टा थीटा है, तो ये होगा डेल्टा V, इसको हम डेल्टा V कह सकते हैं, V जो वेलोसिटी में चेंज हुआ उसको हम कह सकते हैं डेल्टा V, तो ये हो गया डेल्टा V, और इस वेलोसिटी को भी हम ऐसे कह सकते हैं ये वेक्टर रेडिएशन से। अब इन दोनों ही चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, वाई वेक्टर रेडिएशन ये डेल्टा आर इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश, और यहाँ पे वेलोसिटी का जो है वो भी होगा ऑल्सो वेलोसिटी वेक्टर इज वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस डेल्टा वी, वी डैश इज इक्वल टू v प्लस डेल्टा v, ये हो गया v डैश इज इक्वल टू v प्लस डेल्टा v। सो यहां पे मिल गया आपका कितना, तो v डैश इज इक्वल टू v प्लस डेल्टा v, यानी डेल्टा v इज इक्वल टू यहां भी हम लिख सकते हैं कितना v डैश माइनस v वेलोसिटी का चेंजेज। ये हुआ दो बातें कि आप ही देखिए, अब चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो क्या है डेल्टा आर के परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का वो क्या है परपेंडिकुलर है डेल्टा आर के, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो परपेंडिकुलर है वो किधर की ओर ओरिएंटेड है डेल्टा, ये रेड सेंटर की तरफ ओरिएंटेड है, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सिंस वेलोसिटी चेंजेज, सिंस वेलोसिटी चेंजेज चेंजेज हैंस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस,
acceleration produced and the direction of acceleration is in direction of velocity. Direction of acceleration is in direction of velocity. Direction of velocity. Change in velocity. Direction of change of velocity. Direction of change of velocity. Change of velocity. Change of velocity. Change of velocity. That is delta V, which is perpendicular to the change of displacement, change of position vector of two positions during time delta t, है ना? So therefore acceleration is equal to let delta t acceleration delta, therefore average acceleration A is equal to what? Change in velocity upon change in time. अब डेल्टा टी जो है वो क्या है, बहुत ही छोटा हो सकता है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डेल्टा ए इज इक्वल टू what limit delta t tends to 0 delta v upon delta t. और ये magnitude अगर निकालते हैं तो यहाँ magnitude लिखना पड़ेगा velocity का, तो ये instantaneous acceleration का magnitude निकल जाएगा. ये acceleration की direction हमेशा कहाँ है, center की ओर है. So direction of this acceleration is always pointed towards the center, since the direction of acceleration is towards the center of circular path. Hence, this acceleration is called centripetal. Center की ओर है, इसलिए इसको कहते हैं centripetal acceleration. Centripetal acceleration, and it is denoted by AC. ठीक है, centripetal acceleration. Centripetal means towards the center. ठीक है ना, तो centripetal acceleration it is AC. A acceleration centripetal. ठीक है. Now derivation of centripetal acceleration. सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होगा, डेरिवेशन इसका. तो इसका डेरिवेशन करने के लिए हम थोड़ी सी बेसिक पे जाते हैं और इसका एक डेरिवेशन करते हैं. क्या बेसिक्स हो सकता है वो हम देखते हैं. ये देखिए, यहाँ पे जो दो ट्रेंगल बने हैं, एक ट्रेंगल ओ ए बी और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर. ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, डेल्टा थीटा है. दोनों के बीच का एंगल सेम है और चेंजेस जो है, तो इसलिए ये सिमिलर ट्रेंगल होंगे. ठीक है ना, सिमिलर ट्रेंगल के लिए ये जो है ये प्रोपोर्शनेट होंगे, साइड प्रोपोर्शनेट होंगे, और ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, तो साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक है ना, सिमिलर ट्रेंगल के लिए तो साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे. और ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो भी है 90 डिग्री, यहाँ पे रेडियस पे 90 डिग्री है. ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये दोनों ही वेलोसिटी का, और रेडियस भी है जो परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों सिमिलर होंगे. तो सिमिलर में क्या होता है, दो ट्रेंगल जब सिमिलर होते हैं, ओ ए बी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्रेंगल, सिंस ट्रेंगल ओ ए बी
चाहे ए ओ बी, ए ओ बी चाहे ओ ए बी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर सिमिलर। देयर फोर, ये प्रूफ नहीं करना होता है, ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे आप। देयर फोर कोरिस्पोंडिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल, कोरिस्पोंडिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल, बी प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल सिमिलर ट्रेंगल में, ये पढ़ा होगा टेंथ क्लास में आपने। तो क्या होगा कि एंगल के साथ वाला, कौन सा एंगल के साथ वाला पोजिशन वेक्टर, आर, और उसी तरह से वेलोसिटी, एंगल के साथ वाला वेलोसिटी क्या है, वी। इन दोनों का दिस आर अपॉन वी इज इक्वल टू, फिर क्या होगा, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन ये थीटा के सामने वाला और थीटा के सामने वाला चेंज इन वेलोसिटी। तो ये दो चीजें हैं, तीसरा भी लिख सकते हैं आर डैश अपॉन वी डैश, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं है, तो हम इतना लिख दिए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी इंटू डेल्टा आर बाई आर, ये एक इक्वेशन हो गया। मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, सारी चीजें मैग्नीट्यूड में है, इसलिए इसको भी मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं, इसको भी मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो डेल्टा आर ये भी है, ये डेल्टा वी है ना, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूंकि वेक्टर था तो इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है, ये वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड ले लिया है, तो ये ऐसे हो गया। अब ऊपर में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एक्सेलरेशन, देयर फोर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी, ये तो स्केलर है ना। तो चेंज इन टाइम, अब इसको देयर फोर हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो और ये डेल्टा वी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन और ये वी बाई आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। बोलिए अभी क्या हुआ, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ टाइम। सिंस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ टाइम इज डेल्टा वी, इसको वी लिख सकते हैं, तो ये होगा वी के बराबर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी के बराबर, दैट इज वी हो गया। तो इस पूरे को हम वी लिख सकते हैं, है ना, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, वी। तो ये हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देयर फोर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये पूरा हो गया वी, वी वाई आर इंटू वी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू वी, ये होता है हमारा, ये आपको पहले से पता होगा और पहले से हमने बता भी रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा, ये है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू वी होता है, इसलिए इसको वी लिख दिया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, वी इंटू वी इज वी स्क्वायर अपॉन आर, और इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो इसलिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज ए फॉर्मूला फॉर डेरिवेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और उम्मीद है कि आप ये आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपेटल acceleration. Now we want to establish a relation between linear velocity and angular velocity. So let us understand one more point, that is linear relation between linear velocity and angular velocity. So first of all we are going to discuss what is an angular velocity. Angular velocity. Angular velocity is what? Right? So angular velocity is defined at the rate of change of angular displacement. The rate of change of angular displacement is called angular velocity. The rate of change of angular displacement, change in angular displacement, angular displacement of
a moving body on a circular track, circular path, is called angular velocity. Angular velocity. ठीक है. It is denoted by omega. Omega. इससे हम यानी omega is equal to होता है. So angular velocity omega is equal to angular velocity omega is equal to angular displacement upon time. ठीक है. So therefore omega is equal to angular displacement theta by t. ये एक फॉर्मूला होता है, ये आप याद रख सकते कि थीटा बाई टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज थीटा बाई टी. ठीक है. तो ये होता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी यानी पार्टिकल जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा हो तभी हम एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे, मान लेते हैं ट्रेवल कर रहा है ना, और यहाँ पे किसी टाइम पे उसका जो स्पीड है यहाँ पे ए पे ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी. दो पॉइंट हमने ले लिए जहाँ पे हमने उसकी स्पीड को और डिस्प्लेसमेंट को, ये जो डिस्टेंस होगा ए से बी तक इस डिस्टेंस को हमने कह दिया एस. ये है क्या आर्क, दैट इज बेसिकली नथिंग एल्स बट आर्क लेंथ. आर्क लेंथ है ए बी एस. पार्टिकल का यहां से अगर हम ये कहें कि ये रेडियस है तो ये थोड़ा डायग्राम बना लो, ध्यान से देखें आप. तो ये यहां पे है और दूसरा जो है पार्टिकल ए से बी पे जा रहा है, तो ए से बी पे जा रहा है तो उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी और उस डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा या थीटा मान सकते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट नथिंग एल्स बट थीटा. ये थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का. और ये जो है एस है, ये एस है. ठीक है. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये थीटा है और वो है एस. थीटा ये है थीटा और ये है एस. यहां पे वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, चूंकि स्पीड कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू होता है विनो, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. आर्क बाय रेडियस. तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एस अपॉन आर. ठीक है, एस अपॉन आर. पार्टिकल ए से बी तक टी टाइम में गया है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. यानी जो स्पीड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस एस अपॉन टाइम टी. एस अपॉन टी हो गया. यानी हम एस को थीटा इंटू आर यहां से लिख सकते हैं, फ्रॉम थीटा इंटू आर अपॉन टी. और थीटा बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा. तो थीटा बाई टी इंटू आर, थीटा बाई टी को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर, सिंस थीटा बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा. पहले ही हमने सीखा था ये. तो इसलिए वी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इंटू आर, आर ओमेगा या ओमेगा इंटू आर ये कह सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस. ये हमेशा ही याद रखें कि यहां पे आ गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. वेयर वी इज क्या है, लीनियर वेलोसिटी. वेयर वी इज लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड आर इज रेडियस. R is what? Radius. यानी ये कह सकते हैं कि linear velocity is equal to
एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये होता है। अब हम कुछ और चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं इसके आधार पे, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू, ये टाइम पीरियड एक होता है, वन कंप्लीट साइकिल रोटेट करने के में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरी सर्कुलर पाथ की, कंप्लीट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी। एंड फ्रीक्वेंसी, अनदर टर्म इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन वन सेकेंड, कंप्लीट रेवोल्यूशन इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड इज कॉल्ड, वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय न्यू, न्यू इस सिंबल का नाम है न्यू। सो न्यू इज इक्वल टू होगा वन बाई टी, देयर फोर न्यू इज इक्वल टू होता है वन बाई टी। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। सो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, और थीटा वन बाई टी को हम क्या कह सकते हैं, न्यू, थीटा बाई टी भी लिख सकते हैं, कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। तो थीटा बाई टी, टी इज टाइम पीरियड, सो थीटा वन बाई टी को न्यू लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा इंटू न्यू, ये भी कह सकते हैं न्यू थीटा, ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थीटा कितना होता है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में, टू पाई, तो पाई न्यू, ये याद रख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई न्यू। सो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई न्यू, ये हम फॉर्मूला एक याद रख सकते हैं, 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ऑल्सो एक्सेलरेशन के टर्म्स में क्या कहेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई न्यू r, ठीक है ना, ये हो गया, यानी v इज इक्वल टू 2 पाई न्यू r, ये एक फॉर्मूला हो गया ये भी। और इसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाई आर, दैट इज ओमेगा, ऑल्सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, टू पाई न्यू, सो टू पाई न्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर, ये भी हो जाएगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो ये दोनों ही फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई न्यू होता है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टू पाई न्यू आर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं, जितने भी हमने इसमें फॉर्मूले बनाए हैं वो सब के सब फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, ये आपको दिमाग में रखने हैं, और ये सारे फॉर्मूला जब आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको न्यूमेरिकल करने में आगे सुविधा होगी, ठीक है ना। तो ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या है और इसके क्या रिलेशंस होते हैं, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और नहीं हुई होगी, आप बड़े आराम से आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, अगर आपको अच्छा लगा तब भी कमेंट बॉक्स में लिखें, दिक्कत आई तो क्या दिक्कत आई वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी है इस चैनल को देखने में तब भी हमें लिखें, ठीक है ना। और अगर आपने देख लिया है इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लिया है, तो आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एक ऐसा चैनल है जिस पे आप मुफ्त में सब कुछ पढ़ सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी को एक डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में ये चैनल एक महत्वपूर्ण भूमिका ज़रूर निभाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो और आप मंगलमय जीवन व्यतीत करें। थैंक यू वेरी मच।